India, excellencies, ladies and gentlemen, join us in welcoming Honorable Prime Minister of Republic of India, Sri Narendra Modi, to please deliver his inaugural address to the plenary. Mahamahim. Rashtrapati Macron, Mahamahim Rashtrapati Gan, Pradhan Mantri Gan, Sanmanya Atithi Gan, Devi aur Sajjano. Namaskar. मैं दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्थापना सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ऐतिहासिक दिन का बीज नवंबर 2015 में पेरिस में 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज के समय बोया गया था। आज उस बीज से हरे भरे अंकुर निकल आए हैं। इस नन्हे पौधों की नई संभावनाओं में फ्रांस ने बहुमूल्य भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यह नन्ना पौधा आप सभी के सम्मिलित प्रयास और प्रतिबद्धता के बिना रोपा नहीं जा सकता था, और इसलिए मैं फ्रांस का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। 121 संभावित देशों में से 61 अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं, 32 ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रेटिफाई भी कर दिया है, लेकिन इस गठबंधन में हम सभी सहयोगी देशों के अलावा हमारे सबसे बड़े साथी हैं सूर्य देवता, जो बाहर के वातावरण को प्रकाश और हमारे संकल्प को शक्ति दे रहे हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जब जीवन ने अपनी आंखें खोली थी, उसके भी करोड़ों साल पहले से सूरज लोक को प्रकाशित और अनुप्राणित करता आ रहा है। जापान से लेकर पेरू तक, ग्रीस हो या रोम, इजिप्त, इनका और पूर्व माया परंपरा, हर सभ्यता ने सूरज को प्रतिष्ठा और महत्व दिया है। लेकिन भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले से सूर्य को जो केंद्रीय स्थान दिया गया वह अद्वितीय है। भारत में वेदों ने हजारों साल पहले से सूर्य को विश्व की आत्मा माना है। भारत में सूर्य को पूरे जीवन का पोषक माना गया है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज जैसे चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो हमें प्राचीन दर्शन के संतुलन और समग्र दृष्टिकोण की ओर देखना ही होगा। फ्रेंड्स, हमारा हरित भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। मुझे महात्मा गांधी के शब्द याद आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन वॉट वी डू एंड वॉट वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग वुड सफाइस टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। पूरे विश्व से नेताओं की आज यहां उपस्थिति इस बात की अभिव्यक्ति है कि सोलार एनर्जी मानव जाति की ऊर्जा जरूरतों को स्थायी रूप से पूरा करने का एक प्रभावी तथा किफायती समाधान उपलब्ध कराती है। फ्रेंड्स, भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा
नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम 2022 तक रिन्यूएबल से 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा से होगी। हमने इसमें से 20 गीगावाट इंस्टॉल सोलर पावर का लक्ष्य ऑलरेडी हासिल कर लिया है। भारत में ऊर्जा की बढ़ोतरी अब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बजाय रिन्यूएबल से अधिक हो रही है। भारत में अटल ज्योति योजना का उद्देश्य अपर्याप्त बिजली वाले क्षेत्रों में सोलर एनर्जी आधारित स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सोलर स्टडी लैंप स्कीम से 7 मिलियन बच्चों को रोशनी मिल रही है। अगर हम सोलर एनर्जी से दूसरी टेक्नोलॉजीज को जोड़ दें तो परिणाम और भी अच्छे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा 28 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण से पिछले 3 साल में न सिर्फ $2 बिलियन से अधिक की बचत हुई है, बल्कि 4 गीगावाट बिजली भी बची है। यही नहीं, 30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बनी। फ्रेंड्स, हम सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी सोलार क्रांति चाहते हैं। आप भारत में प्रशिक्षित सोलार मामाज, जिनका अभी आपने गीत भी सुना, उनके भाषण भी सुने, उनका वीडियो भी देखा, अब आप भली भांति इन सोलार मामाज से परिचित हो ही चुके हैं। उनकी कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। हमें खुशी है कि आईएसए कॉर्पस फंड में योगदान के अलावा आईएसए सेक्रेटरी की स्थापना के लिए 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि हम आईएसए सदस्यों के प्रत्येक वर्ष सौर ऊर्जा में 500 ट्रेनिंग स्लॉट्स प्रदान करेंगे। हमने पूरे विश्व में 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 13 सौर प्रोजेक्ट्स या तो पूरे कर लिए हैं या उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत 15 अन्य विकासशील देशों में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता 27 और प्रोजेक्ट्स के लिए देने वाला है। हमने प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन फैसिलिटी की स्थापना की है, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए पार्टनर देशों को कंसल्टेंसी सपोर्ट देगी। मुझे आज यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि भारत सोलार टेक्नोलॉजी के गैप को भरने के लिए सोलार टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू करेगा। इस मिशन का अंतर्राष्ट्रीय फोकस होगा और यह हमारी सारी सरकारी, तकनीकी तथा शैक्षणिक संस्थाओं को साथ मिलाकर सोलार क्षेत्र में R&D प्रयासों का नेतृत्व करेगा। फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में हवा की तरह उपलब्ध सोलार एनर्जी का विकास और प्रयोग हमारी समृद्धि के अलावा पृथ्वी का कार्बन भार अवश्य कम करेगा। फ्रेंड्स, हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा और वे हैं, एक और बहुत से देश हैं
जिसमें सूरज साल भर चमकता है, परंतु संसाधनों और टेक्नोलॉजी का अभाव सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में आड़े आता है, रुकावट बनता है। दूसरी ओर ऐसे द्वीप समूह और देश हैं जिनके अस्तित्व को क्लाइमेट चेंज के प्रभाव का सीधा सीधा खतरा है। तीसरी बात यह है कि सोलार एनर्जी प्रकाश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से प्रयोगों, यातायात, क्लीन कुकिंग, कृषि, सोलार पंप, हेल्थ केयर में भी उतनी ही उपयोगी हो सकती है। सोलार एनर्जी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की उपलब्धता और विकास, आर्थिक संसाधन, कीमतों में कमी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी का विकास, मास मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, आगे का रास्ता क्या है यह हम सबको सोचना है। मेरे मन में 10 एक्शन पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप सबसे साझा करना चाहता हूं। सर्वप्रथम है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बेहतर और सस्ती सोलार टेक्नोलॉजी सबके लिए सुगम और सुलभ हो। हमें हमारे एनर्जी मिक्स में सोलार का अनुपात बढ़ाना होगा। हमें इनोवेशन को प्रोत्साहित करना होगा ताकि विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सौर समाधान प्रदान हो सके। हमें सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए कंसेंशनल फाइनेंसिंग और कम जोखिम का वित्त मुहैया कराना होगा। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एवं मानकों का विकास करना होगा जो सौर समाधान अपनाने और उनके विकास को एक नई गति दे। विकासशील देशों में बैंकेबल सोलार प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी सपोर्ट का विकास जरूरी होगा। हमारे प्रयासों में अधिक समावेशिता और भागीदारी पर बल दिया जाए। हमें सेंटर्स फॉर ऑफ एक्सलेंसीज का एक व्यापक नेटवर्क बनाना चाहिए जो स्थानीय परिस्थितियों और कारकों को ध्यान में रख सके। हमारी सोलार एनर्जी पॉलिसी को विकास की समग्रता से देखें ताकि SDGs की प्राप्ति में ज्यादा योगदान मिले। हमें ISA सेक्रेटरिएट को मजबूत और प्रोफेशनल बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि हम ISA के जरिए इन सभी एक्शन पॉइंट्स पर गतिशील विकास कर आगे बढ़ पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये पल हमारी यात्रा की शुरुआत मात्र है। हमारी यह अलायंस हमारे जीवन को सूरज के प्रकाश से और भी भर सकती है। यह लेट अस मेक द सन ब्राइटर को भी सार्थक कर सकती है। हमेशा से भारतीय दर्शन की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली, यदि हम पूरी पृथ्वी, पूरी मानवता की भलाई चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि निजी दायरों से बाहर निकलकर एक परिवार की तरह हम उद्देश्यों और प्रयासों में एकता और एकजुटता ला सकेंगे। फ्रेंड्स, यह वही रास्ता है जिससे हम प्राचीन मुनियों की प्रार्थना तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी हम अंधकार से प्रकाश को जा चलें को चरितार्थ कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, Honorable Prime Minister of India, for your vibrant address. Hardik Dhanyavad. May we now request all the esteemed dignitaries on stage to rise up for the symbolic launch of the International Solar Alliance and place their hands on the sunny globe in front of them and press it for the launch of the International